शालिनी। हाय। हेलो, एग्जाम कैसा था? पास तो पक्का हो जाऊंगी। शालिनी, तेरा पास होना यानी गोल्ड मेडल लाना। शालिनी, हॉलीडे के लिए बैंगलोर जा रही हो? हाँ, पर हॉलीडेज के लिए नहीं, परमानेंटली सेटल होने के लिए। पर किस लिए शालिनी? क्योंकि मेरे डैड का सपना था कि मैं MBA करूं, और वो मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ नहीं पढ़ोगी? बिल्कुल नहीं, इतना नॉलेज काफी है। दिमाग की हार्ड डिस्क में कुछ और डाउनलोड किया तो क्रैश हो जाएगी। हाय डैड। हाँ बेटा, एयरपोर्ट पहुँच गई? मैं सुबह 10 बजे बैंगलोर एयरपोर्ट पहुँच जाऊंगी। मैं एयरपोर्ट के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। आप खांस रहे हैं? पिछले 2 दिन से कफ हो गया है। आपने दवाई तो ली ना? हाँ, दवाई ही पी रहा हूँ। मैं डॉक्टर ब्रांडी की नहीं, डॉक्टर ब्रांड की बात कर रही हूँ। मैं भी उसी ब्रांड की बात कर रहा हूँ। डैड, झूठ मत बोलिए, मेरे फोन में सिर्फ सुनाई ही नहीं देता बल्कि सब कुछ दिखता भी है। ना, 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 ऐसा थोड़ी होता है। क्यों, अभी आपके हाथ में ग्लास है ना? इसे तो सच में दिख रहा है। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। शालिनी, शालिनी, मेरे लिए भी एक ऐसा फोन ले आओ ना, मैं उससे सारे गुंडों की हवा टाइट कर दूंगा। डैड, आप एक ओल्ड मॉडल हैं, आप पे ये अपडेट नहीं हो पाएगा। नट खट कहीं की, मेरा मजाक उड़ा रही है ना? तो कुछ नया थोड़ी कर रही हूँ। तुम घर आ जाओ, फिर तुम्हें बताता हूँ। पहले आप मेरी बात सुनिए। इतने सालों से आप अपनी मन मर्जी करे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई आपको रोकने वाला नहीं है ना? बेटा, तुम तो ये अच्छी तरह जानती हो, तुम्हारी चिंता लगी रहती है। मतलब आप कल से पीना बंद कर देंगे? अरे, तुम्हारे आने की खुशी में भी तो पीऊंगा ना। ठीक है, कल वहाँ पे आप एक ग्लास एक्स्ट्रा रखना, वहाँ आके आपको कंपनी दूंगी। ठीक है, बाय। स्वीट गर्ल। ड्राइवर अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। डैड नहीं आए क्या? नहीं बेटा, उन्हें किसी अर्जेंट काम की वजह से जाना पड़ा, वो खत्म होते ही आ जाएंगे। सालों बाद बेटी आई है और उन्हें काम की पड़ी है। बेटी की तरफ उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? ड्यूटी सबसे पहले आती है बेटा। इसीलिए तो मैं कुछ बोलती नहीं, क्योंकि वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं। चलो बेटी। हाँ चलिए। वाओ, हैंगिंग ब्रिज, ये कब बनाया? माय गॉड, बेंगलुरु कितना डेवलप हो गया है। वो तो है बेटा। वो ट्रैफिक, माय गॉड। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर कंपनी ज्यादा है, तो लोगों के पास पैसे भी ज्यादा हैं, जिसकी वजह से उनके पास कार्स और बाइक्स भी ज्यादा हो गए हैं। अंकल, गाड़ी चलाते वक्त बात नहीं करते, आप सामने देखिए। स्वामी अयप्पा, अयप्पो स्वामी, स्वामी सरनम, अयप्पा सरनम, स्वामी सरनम, अयप्पा, अयप्पो स्वामी, स्वामी सरनम। ट्रैफिक जो है गाड़ियों से कम, भक्तों से ज्यादा बढ़ जाती है। ड्राइवर अंकल, शहर में सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं बढ़ा, गुंडागर्दी भी बहुत बढ़ गई है। स्टूपिड इडियट, गुंडा कहीं का। क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो भक्तों को? हे बेटा, तुम स्वामी के भक्तों पर हाथ नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि ये महापाप है। स्वामी के भक्तों को मारने से शायद पाप लग सकता है, लेकिन ऐसे आदमी जो भक्त का चोला ओढ़े शहर में बम और बंदूकों से आतंक फैलाते हैं, पता है उसे मारने से क्या होता है? धरती पर एक पापी कम होता है। पूजा सामग्री में बम और हथियार है।
स्वामी। माफ करना स्वामी जी, एक इंपॉर्टेंट काम भूल गया। ये माला मेरी तरफ से अयप्पा स्वामी को चढ़ा दीजिएगा। जरूर बेटा। ऐसे तो कहने के लिए शहर के कमिश्नर है, अपनी ड्यूटी तक ठीक से नहीं कर पाते। लॉ एंड ऑर्डर की तो किसी को पड़ी ही नहीं है। शालिनी कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, लेकिन ये शहर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये लड़की भी ना। हाय शीला आंटी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये शहर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे रे रे रे, कितने दिनों बाद देख रहा हूँ अपनी परी को। कितना कमजोर हो गया मेरा बच्चा, बहुत दुबली हो गई बेटा। दादाजी मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये शहर है ना कमजोर और पूरा खोखला हो गया है। अच्छा। शालिनी घर आ गई? अभी अभी आई है, लेकिन बहुत गुस्से में है। ओह। शालिनी सॉरी बेटा, मैं एयरपोर्ट नहीं आ पाया, ड्यूटी ही ऐसी है ना। ड्यूटी? अगर आप अपनी ड्यूटी ढंग से करते तो ये शहर खराब ना होता। अब क्या हुआ? क्या हुआ क्या, एक बदमाश बीच रास्ते में आया और अयप्पा स्वामी के भक्तों को बुरी तरह पीटने लगा। बस इतनी सी बात? बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है सेनोरेटा। ये छोटी बात है। ये पी लो बेटा। नहीं चाहिए, ड्यूटी के नाम पर एसी कार्स में घूमने वाले कमिश्नर को पिलाइए, इन्हें जरूरत है। थैंक यू। खाकी वर्दी को देखकर गुंडों के पसीने छूटने चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर पहले अयप्पा अयप्पा बोलने वाला आदमी कुछ देर बाद मर गया बोलने लगा। ओके ओके कूल डाउन। अरे ये काम मेरा है ना, तुम खामखा खून क्यों जला रही हो? सालों से मैंने तुम्हारी स्माइल नहीं देखी। प्लीज बेटा स्माइल करो प्लीज। हाँ तुम क्या देख रही हो? तुम्हारी बेटी ने एमबीए कंप्लीट कर लिया है। क्या कहा तुमने, शादी कब करवाऊंगा? अरे करवा दूंगा मैं करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप अपनी ड्यूटी करेंगे या नहीं ये बताइए, कीजिए रिपोर्ट। तुम्हारी माँ आईजी से बड़ी ऑफिसर है, तुम अपनी माँ से भी बड़ी ऑफिसर हो। मुझसे पूरा शहर कांपता है और मैं तुम दोनों से कांपता हूँ। गुड, आप अपने शहर का ध्यान दो ताकि कोई कंप्लेंट ना हो। आप सिंसियर ऑफिसर हैं या नहीं मैं टेस्ट लूंगी, ठीक है ना माँ? यस मैडम। गुरु तुम किसी हीरो से कम नहीं दिखते। चुप कर बे, मुझे यहाँ के लोग हीरो नहीं गुंडा समझते हैं। एक बात बताऊँ, इतना मासूम चेहरे वाला गुंडा मैंने पहली बार देखा है। एकदम सही बोला भाई तूने, हम लोगों के बीच तू मुन्ना लगता है गुंडा नहीं है। तुझे इस तरह देख के तो सबकी हवा टाइट हो जाती होगी ना। बिल्कुल मुन्ना बेटा, वो सब लड़ाई वड़ाई की बातें छोड़ और गेम पर ध्यान दे। सुपर, तेरे साथ ये गेम जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्या मैं तुझे चेस चैंपियन ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद दिखता हूँ? नहीं नहीं सिर्फ आनंद। गेम ओवर। खेल शुरू करने से पहले सामने वाले की चाल को समझना इस खेल को जीतने की सबसे बड़ी टेक्निक होती है। अगर तुम्हारी बॉडी में ताकत नहीं है तो शायद चल जाएगा, लेकिन याद रखना तुम्हारे दिमाग में ताकत होनी चाहिए। मेरे भेजे में कुछ नहीं घुसा। अबे ढक्कन, एक सामान्य सैनिक भी राजा को मात दे सकता है भाई, और ये सिर्फ इस खेल में ही मुमकिन नहीं असल जिंदगी में भी मुमकिन है। ओ, एक बज गया। माँ
तुम पिछले 14 सालों से किसी और के पापों की सजा काट रही हो, पर इससे तुम्हें बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। जो सपना तुमने देखा है ना मां, वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा और बहुत ही जल्दी तुम्हारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी मां। दीदी 1 रुपया दे दो दीदी, हम लोगों को बहुत भूख लगी है। पिछले 4 दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया दीदी। प्लीज दीदी, 1 रुपए की तो बात है। ओहो, 1 रुपया किस लिए? मस्का पाव और चाय के लिए। सिर्फ 1 पाव से पेट भर जाएगा? चलो मेरे साथ चलो, आ जाओ कम। दीदी बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, आज तो बहुत अच्छी लाओ। चलो चलो चलते चलो, चलो, चलो। आज तो मजा आ गया। तो हाँ, और भी बहुत सारे हैं। क्या खाओगे बच्चों? दीदी दीदी, मुझे एक चिकन बिरयानी चाहिए। मैंने उसका ऑर्डर दे दिया है, अभी आ जाएगा। वाह, मैं तुम सबको अच्छे स्कूल में डालूंगी, वहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगी, पढ़ोगे ना? हाँ। दीदी दीदी, मेरे लिए 1 चिकन कबाब मंगाओगी? हाँ। अरे कितना टाइम लेगा, जल्दी ला जल्दी ला। आराम से आराम से आराम से खाओ, ये सब तुम्हारा ही है। क्या मजा आ रहा है, बहुत मस्त है, मजा आ रहा है। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत सारे पैसे कमाओगे और फिर जो चाहे वो खा सकते हो, जो मन करे वो, बिरयानी कबाब आइसक्रीम और बहुत कुछ। दीदी उस रसोई ने मेरी बिरयानी बहुत तीखी बनाई है। दीदी एक आइसक्रीम मिलेगी, वेनिला वेनिला स्ट्रॉबेरी, दीदी मैंगो आइसक्रीम, दीदी पिस्ता, मुझे बटर स्कॉच, मुझे चोकोबार, मेरे लिए पाइनएप्पल। ठीक है ऑर्डर देती हूँ। एक्सक्यूज मी, सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम ले आइए। 7। थैंक यू, मैंने सब कुछ ऑर्डर कर दिया है, अब तो पढ़ोगे ना? दीदी स्कूल में ऐसी बिरयानी थोड़ी मिलती है, अब तुम हमारा दिमाग मत खाओ। ए खाओ खाओ खाओ। ये तो वही है। बिल मैडम, पर बच्चे अब तक खाना खा रहे हैं ना? वो बच्चे तो भाग गए। हाँ मैडम, साथ में चम्मच प्लेट ले गए, वो सब बिल में जोड़ दिया है मैंने मैडम। इज इट? हाँ मैडम। ठीक है, इसे तो मैं बाद में देखती हूँ। अरे छोड़ो उसे, छोड़ो। क्यों मार रहे हो उसे? मेरी कोई बहन नहीं है, तेरी बहन है क्या? हाँ है ना,
उम्र क्या है? 18 साल। सेल फोन है उसके पास? हाँ। रात के टाइम में कोई उसे फोन करके उससे पप्पी शप्पी मांगेगा तो क्या करेगा? मार दूंगा उसे। वही करेगा ना? मैं अभी तो वही कर रहा हूँ। इसकी वजह से एक लड़की ने खुदकुशी की, एक लड़की पागल हो गई और एक लड़की का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अब तू बोल, इसे मारना सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है भाई, मैंने हाथ साफ कर लिया है। अब तुम लोगों की बारी। आपको तो पता ही है, आम जनता की जब हटती है ना, अच्छे अच्छों की बैंड बजती है। ये सरासर बेईमानी है, अन्याय है। ये लो, अब तुम्हारे बगैर खाना खाना भी अन्याय है। डैड आप ड्यूटी के वक्त खाना खा रहे हैं ना, खाइए, पर ये काम अच्छे से कर लीजिए। दादाजी, अयप्पा स्वामी वाला गुंडा याद है? आज फिर से वो गुंडा किसी बेकसूर को बहुत बुरी तरह पीट रहा था। आंटी बोलो बेटा, आप ही समझाइए इन्हें, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बेकसूर लोगों को इंसाफ कौन देगा? कौन है वो? ओफो, थैंक गॉड, कम से कम पूछा तो सही। आप पुलिस वालों को हर बात का सबूत चाहिए ना, इसलिए मैंने उसका वीडियो बनाया है। ये रहा, देखिए इसे। मेरे डैड सब दिखने में ही कड़क पुलिस ऑफिसर लगते हैं। एक सड़क छाप गुंडे को नहीं पकड़ सकते तो बड़े बड़े डॉन और खतरनाक टेररिस्ट को कैसे पकड़ेंगे? ठीक है, मैंने देख लिया है, अब मैं एक्शन ले लूंगा। हाय। हाय। कमाल का पोज है। प्लीज प्लीज फोटो में स्माइल करो, मेरे कपड़े। प्लीज प्लीज प्लीज, अरे रुको, एक स्माइल करो। मेरे कपड़े, मेरे कपड़े कहाँ हैं? तेरा ध्यान कहाँ रहता आजकल? क्या आनंद, तेरी चाल क्यों बदली हुई है? चाल का तो पता नहीं, पर मेरा हाल बहुत बुरा है। मतलब? मुझे प्यार हो गया है। साहब 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 साहब, बहुत भूख लगी है साहब। हमने पिछले 4 दिनों से खाना नहीं खाया सर। प्लीज सर, 1 रुपए की तो बात है। थैंक यू साहब। ए बच्चों, अरे ये तो उस दिन की टॉर्चर दीदी है, फिर से अपने को पकाएगी। भागो भागो भागो। ए रुको, अरे तुम्हारी बिरयानी भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। भागो भागो भागो। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ए, आइंदा कभी तूने नकली दवाई बेची तो याद रखना, कोई दवाई काम ना करे ऐसा हाल करूंगा। रुको बच्चों, छोड़िए। रुको बच्चों, बिरयानी बहुत महंगी पड़ी यार। हाँ, अच्छे स्कूल में डालूंगी, हॉस्टल में भी। तो बड़े लिखे आदमी बनोगे। ये क्यों पीछा कर रहा है? ओह नो, ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? भागती हूं। लगता है लाइन दे रही है। ये रिवर्स में क्यों चल रही है? आ, 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 आ,
मुझे कोयता दो। आई एम नारियल पानी वाला, नॉट कोयता वाला। मैं पैसे दे दूंगी दो मुझे। 307 क्या इतने पैसे नहीं, केस। केस? हाफ मर्डर किया तो 307, फुल मर्डर किया तो 302 और 14 साल की जेल। इतना सब कैसे पता, तुम इंस्पेक्टर हो या लॉयर? दोनों में से कोई नहीं, मैं एक गुंडा था। चंदू भाई का नाम तो सुना होगा ना? मैं ही हूँ। उफो, ये शहर पूरा गुंडों से ही भरा है। ऑटो चलोगे भैया? हाँ बैठिए। ये रानी तो इस राजा की होकर रहेगी, चाहे कितनी भी टेढ़ी चाल हो। शालिनी, कहाँ जा रही हो बेटा? और कहाँ जाऊंगी, ऑस्ट्रिया। वापस क्यों जा रही हो? डैड बहुत हुआ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों, क्या हुआ है? कहा ना यहाँ नहीं रह सकती, अगर रह गई तो या तो मैं किसी को मार दूंगी या कोई मुझे मार देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम कमिश्नर की बेटी हो। इसीलिए तो मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मैं जा रही हूँ। बेटा मत जाओ प्लीज। डैड प्लीज रुक जाओ, मत रुक जाओ बेटा प्लीज। देखो तुम जा नहीं सकते, तुम्हें मेरी कसम। उससे पहले आपको मेरी कसम खानी होगी कि आप उसे अरेस्ट करेंगे। किसकी बात कर रही हो? और कौन, वही वो गुंडा, उस दिन भक्तों को बुरी तरह पीटा, फिर एक बेकसूर के पीछे पड़ा था और आज मेरा पीछा कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इसके बारे में इतना मत सोचो। लेकिन आपको सोचना होगा, जब तक आप उसे अरेस्ट नहीं करेंगे मैं ना तो कुछ खाऊंगी और ना ही पीऊंगी। तुम मेरी बात सुनो शालिनी। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, नहीं सुनना, नहीं सुनना। शालिनी ने कुछ खाया? नहीं साहब, सुबह से उसने कॉफी भी नहीं पी। क्या? शालिनी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए, आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो मुझे मरता हुआ देखिए या फिर उस गुंडे को अरेस्ट कीजिए। सुनो शालिनी। आंटी आप इनसे कह दीजिए कि मैं इनकी कोई बात नहीं सुनूंगी, और दादाजी आप इनसे कह दीजिए अगर इन्होंने उसे अरेस्ट नहीं किया तो खाना पीना छोड़ दूंगी और मर जाऊंगी। शालिनी, अरे ऐसी बात नहीं करते बेटा, सुन तो बेटा मेरी बात सुनो। बात सुन, डैड हम यहाँ क्यों आए हैं? अंदर तो जाकर देखो। क्यों, अंदर क्या है? जाओ और देखो। यस! ये क्या बच्चों जैसी हरकत कर रही हो? हाँ? मैं इतनी खुश हूँ कि खुशी के मारे भूख लग गई है। डैड किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और चिल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ओए, और तुम खुद को 30 मार खा समझते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? मेरे डैड तुम्हें ऐसा थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट देंगे ना कि भीख मांगते फिरोगे शहर भर की गलियों में। ये है मेरे डैड, आनंद कृष्णा, IPS कमिश्नर। इसके आगे मैं समझा दूंगा, तुम जाओ। थैंक्स डैड, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डैड इसे छोड़ना मत, अच्छे से खबर लेना। पीसी। यस सर। दरवाजा खोलो। जी। मेरी इकलौती बेटी है, मेरे दिल का टुकड़ा है, बहुत जिद्दी है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑस्ट्रेलिया से MBA किया और गोल्ड मेडलिस्ट है। उसे शांत कराने के लिए मैंने तुम्हें सलाखों के पीछे रखा, मुझे माफ कर देना। अरे प्लीज सर, ऐसा बोलकर मुझे छोटा मत कीजिए, मैं चलता हूँ सर। ए, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रहा है? क्या बताऊं,
जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ और साला लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही दी एंड। अपनी औकात से बाहर जाके सपने देखना ही नहीं चाहिए, बेवकूफ। अन्ना दो चाय और एक मस्का पाव देना और खाते में लिख लेना। और अरे आनंद भी तो आने वाला है, एक चाय और कर देना भाई। ये देख आनंद आ रहा है। आनंद कैसा है भाई? वाह, आनंद कैसा है? एक काम कर, चाय के साथ मस्का पाव भी खा ले। चाय लो। अरे आनंद तू उदास क्यों है? ए भाई तेरे चेहरे का नक्शा क्यों बदला हुआ है? होने वाली भाभी ने कुछ बोल दिया क्या? अब क्या बताऊं यार, ऐसा लगने लगा है कि जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है दोस्त। क्यों, तेरी वाली की शादी फिक्स हो गई है क्या? नहीं नहीं, लेकिन ये बात पक्की है कि मुझसे तो नहीं होगी। क्यों, हमारी भाभी किसी और से शादी कर रही है क्या? अब ये तो मैं भी नहीं जानता, पर ये जानता हूं वो मुझसे प्यार नहीं करेगी। पर क्यों आनंद? वो मुझसे नफरत करती है यार। कुछ प्रेम कहानियां नफरत से ही शुरू होती है दोस्त। बात ऐसी नहीं है यार, वो तो मुझे सड़क छाप गुंडा समझती है। टेंशन मत लो, हम भाभी को समझाएंगे। वो नहीं समझेगी। और अगर समझ भी गई तो मेरी औकात से बाहर है, कोई फायदा नहीं। वो क्या बहुत बड़ी हूर परी है? पुलिस कमिश्नर की बेटी है, ऑस्ट्रेलिया में एमबीए किया है और गोल्ड मेडलिस्ट है। तो क्या हुआ, लड़की ही है ना, गोल्ड मेडलिस्ट और शादी का क्या संबंध है? ऐसा नहीं होता यार मेरे दोस्त, सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, फिर चाहे वो किसी महाराजा की बेटी हो या फिर कोई जन्नत की खूबसूरत हूर हो, अगर तेरा प्यार सच्चा है ना तो वो तेरी तरफ भागी चली आएगी। लेकिन सच कहूं तो मैं उसके बिल्कुल लायक नहीं हूं यार। वो तो एक राजकुमारी है, खूबसूरत राजकुमारी। वाओ, अच्छा डेकोरेशन है ना? हाँ बेटी, पैसे के साथ साथ सही समझ भी होना जरूरी है। हाँ, you're right, Dad. पैसे तो बहुतों के पास होते हैं, लेकिन समझ की कमी होती है। बिल्कुल सही कहा। वेलकम सर। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। दिस इज माय डॉटर शालिनी। कांग्रेचुलेशंस। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू सर। शालिनी, ये आपके लिए। थैंक यू। एंजॉय योरसेल्फ सर। श्योर। शालिनी, मेरे कुछ दोस्त हैं वहां, मैं उनसे मिलकर आता हूँ, ठीक है? टेक केयर, बाय 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 सर। कम, लेट्स गो। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, नमस्ते भाभी जी। ये क्या टेबल खाली क्यों है? ए वेटर, सब यहां आओ। व्हाई सो डल? कम ऑन यार, एंजॉय द पार्टी, हम यहाँ मजे करने आए हैं। ओह, रियली? हाय शालिनी। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। वन सेकंड, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, यू कैरी ऑन। ओके, थैंक यू। एंजॉय। ओह, क्या लड़की है, एंजल। वाह, व्हाट अ ब्यूटी। Hello, hello. Excuse me. What a beautiful structure. हटो। Sorry. चलो। ये मत समझना कि मैं पी के बोल रहा हूँ। एक फुल बोतल एक तरफ और तुम्हारी जवानी एक तरफ। बनाने वाले ने फुर्सत से बनाया है। सच कहता हूँ, मैंने आज तक बहुत सी लड़कियों को देखा है, लेकिन हाथ मत लगाओ। तुम जैसी खूबसूरती कहीं नहीं देगी। पूरे कंट्री को छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में तुम जैसी ब्यूटी कहीं नहीं मिलेगी, और ना ही इसके आगे कोई बन सकती है। सो आई हैव डिसाइडेड आई लव यू। सीरियसली, आई लव यू अ लॉट। ए, सच में तुम्हारा थप्पड़ भी कमाल का है। थप्पड़ क्यों, तुम तो सैंडल से मारोगी तो भी चलेगा। आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। अभी बताती हूँ। सच में तुम्हारा थप्पड़ भी कमाल का है।
थप्पड़ क्यों? तुम तो सैंडल से मारोगे तो भी चलेगा। आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। बताती हूँ। कौन है वो लौंडिया? पुलिस कमिश्नर आनंद कृष्णन की बेटी है। उठा लो उसको, उसके टुकड़े करके वीडियो बनाओ और मुझे इस होम थिएटर पर दिखाओ। उसके टुकड़े करने से पहले मेरा अंजाम देख लो। आदि पागल हो गया क्या? ग्लास टूटने की वजह से आपके हाथ से खून निकला। चाकू मार के छोटे ने अपना खून निकाला। इसको कहते हैं खून का रिश्ता। व्हाट अ फैमिली सर। आदि, उसने तुम्हारी इज्जत उतारी। फादर, उसने मुझे मारा, मैंने मार खा लिया। सैंडल से भी प्यार है? पता है, मुझे तो उसकी सैंडल से भी प्यार है। मैंने आज तक इतनों को मारा है। डैड, फर्स्ट टाइम मुझे उससे मार खा के बहुत मजा आया। तुम और तुम्हारी प्रेम कहानी दोनों ही हटे हुए हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? डैड, अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई ना तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। डैड, मुझे वो चाहिए। डैड, मुझे वो चाहिए। वो कोई दुकान में रखा हुआ खिलौना या जेब में रखा हुआ पैसा नहीं है, कमीशन की बेटी है वो। दास अंकल, मुझे ना उसी लड़की से शादी करनी। हाँ, उससे ही करवाएंगे, पक्का उससे ही करवाएंगे। मैं तुम्हारी शादी उससे ही करवाऊंगा, ठीक है? ए दास, तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो। भाई, इससे पहले इसने हमेशा कोई भी लड़की एक रात या एक दिन के लिए मांगी है, लेकिन पहली बार पूरी जिंदगी के लिए ये किसी को मांग रहा है। और उससे भी बड़ी बात, वो लड़की खूबसूरत है और अच्छे खानदान से भी है। मतलब अगर इसकी शादी उससे हो गई तो ये तो सुधर जाएगा ही, और वो कमिश्नर भी हमारी जेब में होगा। कहाँ ले जा रहे हैं डैडी? चुप रहो और चलो मेरे साथ। लेकिन क्यों? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें जाने से रोका। तो क्या मैंने उसे मार के गलती कर दी? गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें पता नहीं है कि इसका नतीजा क्या होगा। क्यों, क्या होगा डैडी? वो बहुत बड़ा गुंडा है। गुंडा नहीं है, माफिया। उसके सिर पर माफिया गैंग का हाथ है जो किसी राक्षस से कम नहीं। कितनी शर्म की बात है डैड, एक पुलिस कमिश्नर होते हुए भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, और शर्म के साथ एक बात बोलूं, उन लोगों के साथ भिड़ना मतलब मौत को बुलावा देना। देखो, वो सीएम से भी पावरफुल है, लैंड माफिया उसका है, ड्रग्स, स्मगलिंग, गर्ल्स, व्हाट नॉट, हर तरह का जुर्म वो लोग करते रहते हैं। और आपने इतना सब जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं लिया। हम कुछ नहीं कर सकते, उसके पीछे जो आदमी है वो बहुत पावरफुल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहले ही देर हो चुकी है, अब तुम चलो यहाँ से। संदीप जी। वाह 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 वाह, तुम्हारी बेटी तो वाकई में बहुत खूबसूरत है भाई। तभी तो सैंडल मारने के बाद भी ये इसे बहू बनाना चाहते हैं। गजेंद्र जी, इसे पता नहीं था कि वो आपका बेटा है, वरना उसे मारती नहीं। ये तो अपनी गलती के लिए माफी तक मांगने को तैयार है। तुम्हारी बेटी माफी नहीं मांगेगी, बल्कि तुम माफी मांगो। समझे नहीं? अपनी बेटी का कन्यादान कर दो, इनके बेटे को दामाद बना लो। हाँ, तुम्हारी बेटी अब हमारे घर की बहू बनने जा रही है। अब हम दोनों बुजुर्ग मिलकर शादी का मुहूर्त तय करते हैं और इन्हें सीधा हनीमून पर भेजते हैं। आपको तो हमसे ज्यादा जल्दी है। वो क्या कर? अपनी बेटी को यहाँ से भगाना चाहते थे। आज से वो तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरे भाई साहब की होने वाली बहू है। अरे, तू किस चीज का इंतजार कर रहा है? जल्दी से बढ़ के बता। श्री गणेशाय नमः, वेंकटेशाय मंगलम। माननीय श्री गजेंद्र के इकलौते सुपुत्र चिरंजीवी आदिशंकरन का विवाह माननीय श्री आनंद कृष्णन की इकलौती सुपुत्री कुमारी शालिनी के साथ आने वाली 9 तारीख को सपरिवार साथ संपन्न किया जाएगा। ओ पंडित जी, 9 तारीख से पहले कोई और शुभ मुहूर्त नहीं है क्या? जरा देख कर बताइए तो। नहीं, वर की कुंडली के हिसाब से ये शादी 9 तारीख से पहले संपन्न नहीं की जा सकती। अरे भाई साहब, अपने घर के इकलौते बेटे की शादी है, तैयारी करने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए ना हमें। मुहूर्त निकला जा रहा है, कृपया शगुन दीजिए। ये अन्याय है। लाओ भाई, समधी जी, स्वीकार कीजिए। कम ऑन, क्लैप।
Congratulations. सुनो, अगर तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की या कहीं भाग जाने का दिमाग में ख्याल भी आया ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे बाप को मार दूंगा। तुम्हारी बेटी को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता है, फॉरेन रिटर्न है ना, लेकिन तू तो लोकल है, हमारी सारी डिटेल्स दे देना उसको। हमारी बहू को तुम डरा रहे हो? ये कमिश्नर खुद इसे हमारे बेटे के बारे में बता देगा और शादी के लिए राजी करवाएगा। करवाओगे ना? Cheers, Commissioner. Smile. देख गुरु, मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ कि तेरा प्यार सच्चा है और ये बात तो ऊपर वाला भी मानता है। बस तुझे एक ही चीज करनी है कि कर ले इस रिलेशनशिप को अपनी मुट्ठी में, बाद में जो होगा देखा जाएगा। आप मुझे कहाँ लेके आए हैं डैड? तुम यहीं रुकना। सर, आप यहां कैसे? मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मेरी बेटी दरअसल मुसीबत में फंस गई है। क्यों, ऐसा क्या हो गया सर? सैंडल मारने के बाद भी ये इसे बहू बनाना चाहते हैं? अब तुम ही मेरी बेटी को इस मुसीबत से बचा सकते हो, क्योंकि अगर मैंने 100 पुलिस वालों को सिक्योरिटी में रखा तो वो अपने साथ 1000 गुंडे ले आएगा। इस मुसीबत में पावर काम नहीं आएगी, शक्ति के साथ साथ युक्ति भी लगेगी, बुद्धि भी लगेगी और साथ ही ब्रेन पावर भी लगेगी, और ये सब कुछ तुम्हारे पास है। इसीलिए मैं अपनी बेटी को यहां लेकर आ गया। मैं यहां सिर्फ एक पुलिस कमिश्नर की हैसियत से नहीं आया, बल्कि एक बेटी का बाप बनकर आया हूं। सर, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने मुझ पर इतना भरोसा किया। आज से आपकी बेटी की जिम्मेदारी मेरी हुई सर। नीचे उतरो, उतरो, चलो। लेकिन कहां? मैंने कहा ना, चलो। आज से तुम यहाँ रहोगी और ये तुम्हारी रक्षा करेगा। ओह, सुपर्ब! मुझे शेर से बचाने के लिए बब्बर शेर के मुंह में डाल रहे हैं। तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं इसे नहीं जानती, मुझसे ज्यादा इसे कोई नहीं जानता डैड। तुम जो भी सोचती हो वो सब गलत है बेटा। थोड़े ही दिनों के बाद तुम खुद ही सब कुछ जान जाओगी, क्योंकि शहर में यही तुम्हें बचा सकता है। ये मुझे बचाएगा? ये बनेगा मेरा बॉडीगार्ड? वेरी फनी। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटी, तुम्हें इसका जो दिमाग है ना, कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ओ, तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम्हारे पास इतना दिमाग है। ये बचाएगा मुझे, ये बॉडीगार्ड बनेगा, ना बॉडी रहेगी ना गार्ड। सर आप जाइए, मैं इनका ख्याल रखूंगा। थैंक यू। सो बताओ कंप्यूटर मैन ऑफ इंडिया, मेरा कमरा कहाँ है? बड़ा आया। हेलो,
तुम वहीं ठहरो, मैं आता हूँ। ठीक है भाई साहब। क्या बोला था मैंने कि तेरा सच्चा प्यार तुम दोनों को एक दिन मिला के ही रहेगा। अब तेरी राजकुमारी तेरे घर में रहेगी, तेरी प्रोटेक्शन में। तू कुछ भी बकवास मत कर यार, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ रुकी है। उसी की वजह से तो ये कनेक्शन बना है मेरे भाई। अरे एड़े, मैं बोल कुछ रहा हूँ और तू समझ कुछ और ही रहा है। अब तक तो हमने भाभी के बारे में तेरे मुंह से सिर्फ सुना था, वैसे मानना पड़ेगा मेरे दोस्त, आज हमने देख भी लिया कि तेरी चॉइस एकदम सुपर है। सुपर। तो क्या कहते हो कंप्यूटर मैन ऑफ इंडिया, मेरे होने वाले ससुर जी पूरी बारात के साथ यहाँ आए हैं, अब दिखाओ उन्हें अपनी ब्रेन पावर। मेरी जान, अब देखो मेरा कमाल। बड़े भाई ये लीजिए, ठंडा पीजिए। हाँ? ए इधर दे। ये लो बड़े भाई, आपके कदम इस मोहल्ले में पड़ते ही पूरे मोहल्ले में रौनक छा गई भाई, आपका मोहल्ला खिल उठा भाई। बड़े भाई आपको देखने को, आपसे बात करने को और आपको टच। बंदूक से डराने का नहीं भाई, आप मानेंगे नहीं, अपन आपको मिलने के लिए मरा जा रहा था भाई। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्त सुदामा के घर गए थे, जैसे भगवान श्री रामचंद्र गए थे सबरी के घर, वैसे आप मेरे घर बता रहे भाई। बड़े भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया, आपके लिए जान हाजिर है भाई। हेलो, ओवर एक्टिंग बहुत हो गई। क्या रे, तू ही है क्या यहाँ का भाई? कौन मैं? नहीं, अरे धत, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, बड़े लोग तो आप हैं, जैसे आप बड़े भैया और ये टकलू अन्ना, मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ ना। वैसे बड़े भाई आप अपन के मोहल्ले में कैसे? हम तेरे लिए आए। अपन के लिए आपने इतनी तकलीफ ली? अरे अपनी तो निकल पड़ी रे। अरे बड़े भाई एक फोन कर देते तो भी आ जाता। अरे फोन भी छोड़ो, अगर आप मुझे मिस्ड कॉल भी करते ना तो भी मैं बच्चे की माफिक डगे दौड़ के आपके पास आ जाता। बड़े भाई क्या, बड़े भाई ओवर एक्टिंग बंद कर बे। कमिश्नर की बेटी कहाँ है बता? अन्ना वो अपन के घर में बिल्कुल सेफ है भाई, अगर आप लोग नहीं आते तो अपन खुद उसे आपके पास लेकर आता ना भाई। क्यों रे? अब क्या है ना भाई, वो कमिश्नर अपनी बेटी को यहाँ ये सोच कर छोड़ के गया कि अपन आपसे भी बड़ा भाई है। बेवकूफ। अपन को सच में नहीं मालूम था कि ये आपकी होने वाली बहू है, आपकी कसम। अब कसम से भाई, अपन को तो अभी 2 मिनट पहले ही पता चला भाई। छोटा, अच्छा ये पता होने के बाद भी तूने उसे यहाँ रखा? जब किस्मत ने मुझे ऐसा मौका दिया तो मैं उसे कैसे जाने देता? अगर मैं आपकी होने वाली बहू का ध्यान रखूंगा तो मेरे लिए ये गर्व की बात होगी। बड़े भाई कितने खुश हो जाएंगे, सही कहा ना भाई? तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं, चल भेज दे उसे। वैसे आप इन्हें कहाँ लेकर जाएंगे? भाई के घर में। लेकिन वहाँ ले जाने के बाद आप क्या करने वाले हो भाई? उसे एक कमरे में ही बंद करोगे ना बड़े भाई? इसका अंजाम सोचा है? जरा आपने बाएं मुड़कर देखिए। शादी को रोकने के चक्कर में अगर उसने खुदकुशी कर ली तो क्या होगा भाई? चलो कर ली तो कर ली, लेकिन अगर वो हिम्मत वाली निकली और उसने ऐसा कुछ किया तो क्या होगा, ये जानने के लिए दाएं मुड़कर देखिए। अगर सुहागरात के दिन सेब काटने के बजाय आपके बेटे की गर्दन काट दी तो?
गड़बड़ हो जाएगी ना भाई। क्या रे, तेरे बोलने का मतलब क्या है? बड़े भाई, अगर ऐसा कुछ हो गया ना, तो ना आपका बेटा रहेगा, ना बहू और ना आपकी इज्जत। तो तेरा मतलब है कि हमारा आदि उस लड़की को भूल जाए? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कहाँ कहा बड़े भाई, मैं तो कह रहा हूँ उस लड़की को एक महीने के लिए आप मेरे पास छोड़ दो। लेकिन तेरे पास क्यों? ताकि मैं उस लड़की को समझाऊंगा ना भाई, कि भाई क्या है, भाई की पावर कितनी है, और बहुत अच्छी तरह से उसका ब्रेन वॉश कर दूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि तू कितनी खुशकिस्मत लड़की है कि तुझे बड़े भाई के बेटे से शादी करने का मौका मिल रहा है। ए, जब से आए हैं तेरी बकवास सुन रहे हैं हम। क्या रे, तुझे क्या हम सब लोग शक्ल से बेवकूफ लग रहे हैं जो बकवास किए जा रहे हैं? तुझे तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ये नौटंकी बंद कर और उसे बाहर भेज, चल। क्या भाई, आपको मुझ पे भरोसा नहीं? आपको अपने छोटे भाई पे शक हो रहा है? चलो, इसका भी सलूशन है मेरे पास। अगर ऐसी बात है ना, तो आप भी एक महीने के लिए मेरे पास रुक जाओ। क्या कह रहे हैं, मैं तेरे घर पे रुकूं? हाँ। वो भी मैं? हाँ। एक महीने के लिए? हाँ, उसमें क्या है, अगर मुझसे ट्रेनिंग देने में कोई गलती हो जाती है तो आपकी डांट खाने का सुनहरा मौका भी मुझे मिल जाएगा ना बड़े भाई। ए, मैं रुकूं? हाँ भाई, अगर ये शादी हो गई तो बड़े भाई का बेटा खुश हो जाएगा। अगर बड़े भाई का बेटा खुश होता है तो भाई तो खुश हो ही जाएंगे ना, समझा करो छोटे भाई। छोटे भाई किसको बोल रहे? अरे भाई, बड़े भाई मतलब श्री राम का रूप, आप लक्ष्मण मतलब छोटे भाई, और मैं हनुमान, और हम तीनों मिलकर बड़े भाई के बेटे की और इस लड़की की धूमधाम से शादी कराएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मुझे गोली मार देना। ढिसक्याओ, ढिसक्याओ, खेल खत्म। मुझे लगता है ये लड़का सही बोल रहा है। भाई साहब, इसकी बातों पे यकीन मत करो, ये चूना लगा रहा है, इसीलिए तो हम तुम्हें यहीं छोड़ जा रहे हैं। भाई साहब जरा समझिए, मैं यहाँ, तुम मुझे कुछ मत समझाओ, एक महीने के लिए तुम यहीं पर रुको, उस लड़की की सेफ्टी के लिए ये जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो अकेले में वो मेरे बेटे को खत्म कर दे। लेकिन भाई साहब, मैं एक महीने के लिए यहाँ पर रुकूंगा। नहीं, भाई ने बोला तो छोटा भाई ना नहीं कर सकता, बड़े भाई की बात माननी पड़ेगी, है ना छोटे भाई? मान लो, मान लो इनकी बात। चिंता मत करो छोटे भाई, आपका भी अच्छे से ख्याल रखूंगा मैं। यही रहेगा, रहना पड़ेगा, यही रहना चाहिए। बोल दिया, चलो अब आ जाओ। थैंक यू। भाई साहब मेरी बात सुनो, ध्यान रखना। जब से मैंने अपनी बेटी को तुम्हारी सुरक्षा में रखा है, तब से मेरे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। जो होता है अच्छे के लिए होता है सर। आपकी बेटी पढ़ाई के लिए 3 साल विदेश में रही, ऐसा सोचिए कि एक महीना और रहना पड़ा। जब तक आपकी बेटी मेरे साथ है, उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता सर। उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है सर, और शतरंज की बाजी भी बिछ चुकी है सर। उनकी हर एक चाल को मैं मात दूंगा सर, हर एक वार मेरा होगा। अब तक आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाए क्योंकि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। आप देखना, वो अपने गुनाह खुद कबूल करेंगे, मैं करवाऊंगा उनसे। इस शतरंज के खेल में 1 महीने तक आप अपने हिसाब से चाल चलिए और मैं चलूंगा अपनी चाल। छोटे भाई गोली क्यों चला रहे भाई? मच्छर था भाई, मच्छर है, देखिए ये मच्छर है। आप तो बात बात में गोली चलाते रहते हैं, ये देखिए। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ आओ, यहाँ भाई को मच्छर काट रहे हो और तुम लोग आराम से सो रहे हो? आओ ना भाई, अपने मोहल्ले के मच्छर बहुत डेंजर है भाई, बैठिए ना। इसके काटने से सिर्फ डेंगू मलेरिया ही नहीं होता भाई, एड्स भी हो जाता है। लगाओ लगाओ, भाई को एक भी मच्छर नहीं काटना चाहिए, ये हमारे खास मेहमान है, इनकी अच्छे से देखभाल किया करो। अब ध्यान रखो, एक भी मच्छर इन्हें काटना नहीं चाहिए। अरे क्या कर रहा है, अच्छे से रख, अच्छे, अरे उस तरफ रख, बस ये सही है। अब भाई के लिए स्कॉच लेकर आ। रहने दे, बियर बियर भी चलेगी। मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, जरा आप खुद को देखो, आप अपनी पर्सनालिटी को देखो। स्कॉच के अलावा मैं आपको आज कुछ भी नहीं पीने दूंगा, आपको मेरी कसम है। ए, जल्दी से चकना लाना। ये लो भाई, आपका ड्रिंक रेडी है आपके लिए। आ,
एक दो बस 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 भाई ये बड़े भाई के पास प्रॉपर्टी कितनी होगी? क्यों रे, तुझे क्यों जानना है? नहीं नहीं मुझे नहीं जानना, ये लोग कह रहे थे कि भाई के पास कुछ 4-5 लाख की प्रॉपर्टी होगी। पागल मेरे भाई साहब और 4-5 लाख? मैं बताता हूँ, भाई साहब के पास कम से कम 500 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। 500 करोड़? आई 500 करोड़? तो इतनी प्रॉपर्टी बनाने में आपने भी तो बहुत मेहनत की होगी। नहीं 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 नहीं, अकेले भाई साहब ने प्रॉपर्टी कमाई है पूरी। हाँ देखा देखा, मैंने कहा था ना भाई, मुझे पता था आप इस बात का क्रेडिट कभी लोगे ही नहीं। हालांकि गजेंद्र भाई के बाजू में से अगर इनको निकाल दें तो गजेंद्र भाई बहुत बड़ा जीरो है और कुछ नहीं। कौन बोला? कौन बोलेगा क्या, सब बोल रहे हैं भाई, छोटे भाई यानी कि आप इस गैंग के हीरो हैं, सब कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है रे भाई साहब, भाई साहब है। भाई तो कमाल है, कमाल है। बैठ रहे, किधर जा रहे, किधर जा रहे भाई? आपके लिए मैंने स्पेशल वाली बिरयानी ऑर्डर की है, बस वही लेने जा रहा हूँ मैं। बिरयानी? हाँ। जा, जा, जा। जब तक मैं वापस नहीं आता, भाई का अच्छी तरह से ध्यान रखना। टेंशन मत ले। देख क्या रहे, आइस डाल, आइस डाल। भाई मैं अभी आता हूँ। और डाल, और डाल, अरे देना। कहाँ जा रहा है? किससे मिलना है? गजेंद्र भाई से मिलने आया हूँ। क्या काम है उनसे? अरे उनके छोटे भाई ने भेजा है, जल्दी बोलो, थोड़ा अर्जेंट है। रात को अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। बहुत अर्जेंट बात है यार। ए, आने दे उसे। ठीक है सर। भाई साहब आनंद आया है बार। क्यों, इस वक्त उसे कौन सा काम आ गया? बड़े भाई, बड़े भाई, क्यों फाड़ रहा है? बड़े भाई आप ये क्यों कह रहे हैं, क्या होता है इससे? सोने के लिए। तो मुझे 100 गोली दे दो ताकि मैं हमेशा के लिए सो जाऊं बड़े भाई। क्यों, क्या हुआ? ये भाई, ये देखो, ये किसने किया? और ये भी देखो, ये आपके छोटे भाई दास ने किया है। जरूर तूने कुछ गलत किया होगा, तभी तुझे मारा। हाँ बड़े भाई, मेरी उनके साथ लड़ाई हो गई। पहले तो उन्होंने पूरी बॉटल स्कॉच की मंगवाई और पीने के बाद वो पता है आपके बारे में भला बुरा बोलने लगे। मेरे बारे में? नहीं तो क्या बड़े भाई। ए, ए, क्या रे, झूठ बोल रहा है? झूठ बोलते हैं तो कौवा काटता है, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो भाई काट लेंगे। दारू की बात तो मैं भूल भी जाऊं भाई, पर शालिनी भाभी के सामने वो ऐसे ऐसे इशारे कर रहे थे भाई। क्या? सच कह रहा हूँ भाई। और इतना ही नहीं बड़े भाई, वो तो आपकी होने वाली बहू के कमरे में चला गया था बड़े भाई। आ, कमरे में? अब मैं चिंता नहीं रहूंगा। मतलब रुक जाओ आदि भाई, मैंने भाभी की इज्जत बचा ली। सच में बचा ली? उन्हें तो बचा लिया पर खुद को नहीं बचा पाया। देखो ना भाई, कितना बुरी तरह से मारा मुझे बड़े भाई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारा यकीन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस भाई को सच बताने आया था। क्या सच बताने आया था? छोटे भाई ने मुझसे कहा है कि बड़े भाई से 50 लाख रुपए लेकर आना। क्या, 50 लाख रुपए? हाँ हाँ बड़े भाई। कुछ तो गड़बड़ है। किसे लगा रहा है? दास भाई को। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ए, दास से बोलो कि वो मुझे फोन करे। ठीक है बड़े, रुक जाओ, सुबह मैं उसे फोन करूंगा, अभी उसका फोन बंद आ रहा है। चलता हूँ भाई। ए भाई भाई, मेरी डार्लिंग, मेरी डार्लिंग,
हैं? हाँ मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ। बहुत दुख रहा है क्या? अरे हाँ, बहुत दुख रहा है, सब कुछ तेरे लिए ही कर रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा भाई। है बस ये लीजिए ना, तुम लोग मेरा कितना अच्छा ख्याल रखते हैं। ब्यूटीफुल, आज तो भाई फर्स्ट टाइम मैंने बहुत मजा आएगा। भाई मैं आपके लिए बिरयानी लाया हूँ, खाइए ना। मुझे भूख नहीं है भाई, थोड़ी बिरयानी खा लीजिए, खाली पेट ड्रिंक नहीं करते, सेहत खराब होती है। नहीं क्या भाई, मेरी खातिर थोड़ा सा अपने छोटे भाई का दिल रखने के लिए नहीं खाएंगे क्या? दो निवाले मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा, ये लीजिए भाई। मुझे पप्पू जी यहाँ पे। भाई अगर बड़े भाई के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपके पास कम से कम 10 करोड़ की तो होगी, है ना? कि उससे ज्यादा है? भाई को तूने का लुखा समझा है? भाई के पास 10 करोड़ क्या, कम से कम 25 करोड़ की प्रॉपर्टी तो होगी, है ना भाई? मेरे पास इतने पैसे नहीं है रे। मतलब आज की तारीख में आप बिल्कुल लुखे हो? आज तक इतने पैसों की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, भाई साहब के पैसे मेरे पैसे। मतलब कि आपके पास खुद का एक घर भी नहीं है? भाई साहब का घर है ना, हा? तो फिर उसमें आपका खुद का कमरा है कि नहीं है? हे पगले, भाई साहब का कमरा अपना ही कमरा। मतलब पूरे शहर में आपका खुद का एक टॉयलेट तक नहीं है? अरे कितने सवाल पूछेगा तू, भाई साहब का टॉयलेट अपना ही टॉयलेट है। ये सब उठा और अब बाहर जाकर ये किसी को भी खिला दे, मैं खाली पीली इन्हें बड़ा भाई मानता रहा, इसके लिए मैं खुद को चप्पल से मारूंगा। आप तो छोटे बच्चे की तरह हो, छोटा सा बच्चा जैसे मेरा खुद का बच्चा, मेरा खुद कितना प्यारा है मेरा बच्चा। मैं बच्चा? मेरा मुन्ना, मैं तुम्हारा जिगर का टुकड़ा, मैं तुम्हारा क्या? आजा मेरा बेटा, मैं तो मुन्ना तुम्हारा। हाँ मेरा मुन्ना, मेरा बेटा, मेरा प्यार ऐसा बुद्धू बेटा है तू, कैसा इंसान है बेटा तू। तूने खून किया, स्मगलिंग की, रॉबरी की, लेकिन देखो पैसे प्रॉपर्टी और चीजों में तूने अपना हिस्सा कभी मांगा ही नहीं। इज्जत की वाट मत लगा। अरे मेरे मुन्ने, अब तू ही बता ऐसे इंसान को मैं क्या करूं जिसने मेरे मुन्ने के साथ धोखाधड़ी की है। दे के उसने क्या दिया? गिन के 4 पैंट दिए, बिना कॉलर की 3 शर्ट और लाल कलर की 2 चड्डियां, इसके अलावा दिया क्या है उसने? इतना काफी मेरे लिए। मान लो कल अगर तुम्हारे हाथ पर नहीं रहे तो फिर तुम्हारे खाने और पीने के वांदे हो जाएंगे, और अगर ज्यादा पी लिया और हार्ट अटैक आ गया या फिर किडनी और लीवर फेल हो गया तो बिना पिए मेरा भाई करेगा क्या, बताओ? अब तुम्हारे इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे मेरे भाई? भाई साहब से मांग लूंगा ना। आपको क्या लगता है, आप बोलेंगे और वो दे देंगे? 100% दे देंगे वो। अगर ऐसी बात है तो 50 लाख मांग के दिखाओ। क्या बोला? वो मुझे 50 लाख नहीं देंगे, क्या बात कर रहे हैं? 50 लाख तो दूर की बात है, 50 रुपए नहीं देंगे आपको। सिर्फ 50 से ही है ना? अच्छा? जस्ट 50 है। हाँ 50 लाख, 50 लाख मांग के तो देखो। ये लो, ये लो। Nonsense. अरे मांग के तो देखो। हेलो भाई साहब, मैं दास बोल रहा हूँ। मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। तुम्हें पैसे क्यों चाहिए?
वो पूछ रहे हैं कि पैसे किस लिए चाहिए। अरे बोल दो ना, सिगरेट पान मसाला के लिए चाहिए और क्या। भाई साहब सिगरेट पान मसाला खाने के लिए चाहिए। ए, 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 पागल है क्या, इतने पैसे पान मसाले और सिगरेट के लिए चाहिए तुम्हें? इतने पैसे कहाँ है भाई साहब, जस्ट 50 चाहिए। जस्ट 50 बोल रहा है? तेरा बाप तेरे लिए पैसे छोड़ गया क्या? आधी रात को फोन करके मेरी नींद उड़ा रहा है। दारू पीकर फोन मत किया कर, चल फोन रख बेब को कहीं का। फोन कट कर दिया। उन्होंने सिर्फ फोन कट नहीं किया है भाई, उन्होंने तो आपको प्रॉपर्टी से ही कट कर दिया है। एक काम करो, फिर से फोन लगाओ और पूछो, एक बार और मांगो। करना चाहते हैं वो इस वक्त बंद है। यकीन नहीं होता मुझे भाई, तो दरिया दिल है। देख लिया भाई लोग। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी अपने भाई की तारीफ ही किए जा रहे हैं, कितने भोले हैं ये। इंसान की असली पहचान उससे जब पैसों की बात करते हैं तब ही होती है। आज कम से कम तुम्हें इतना तो पता चल गया ना कि उसके लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, अपना भाई नहीं बुद्धू राम। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मेरी किस्मत भूत। आज तो तुम आराम से सो जाओ, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। गुड नाइट। हेलो, गुड मॉर्निंग। बैड मॉर्निंग। सॉरी बेटा। रहने दीजिए, सॉरी बोल के उसकी वैल्यू कम मत कीजिए डैड। बेटी मैं जानता हूँ ये सही नहीं है, लेकिन ऐसा करना मास्टर गेम के लिए बहुत ही जरूरी हो गया था। आपके गेम के चक्कर में मुझे कितनी तकलीफ हो रही है पता है? एक ही महीने की तो बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। रहने दीजिए, मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए। मैं यहाँ टीवी और फ्रिज की तरह हूँ जिसमें कोई जान नहीं। इंसान की फीलिंग्स की कद्र होती है, चीजों की नहीं। सो प्लीज मेरे बारे में मत सोचिए। इडली एकदम अच्छी है ना, इसलिए मैं दो प्लेट खा गया। ये तो एक ही बार में पूरा ठेला खा जाएगा। आदि भाई गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए 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 बैठे। थैंक यू ओह सॉरी सॉरी सॉरी। आदि भाई इतने सारे गिफ्ट्स किसके लिए? मेरी होने वाली बीबी के लिए सिल्क की साड़ी है, ये कुछ गहने हैं और इनविटेशन कार्ड के सैंपल हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि खुशकिस्मती तो देखो उस लड़की की जिसे आप जैसा लड़का मिल रहा है। सच्ची मुच्ची में भाई। अब क्या करेगा बेचारा, शालिनी को हमारे प्यारे से आदि की शक्ल ही पसंद नहीं है। इसलिए तो इसे सैंडल से मारा था, मुंह पे बोलने में थोड़ी शर्म आ रही है। करेक्ट, सैंडल से मार खाने के बाद भी इसे शर्म नहीं आई, लेकिन उसे तो आई। करेक्ट करेक्ट, लेकिन आदि भाई के गिफ्ट्स देखकर उनका मन तो पक्का पिघल जाएगा भाई। हमारे आदि भाई का गिफ्ट देखकर भाभी बर्फ की तरह पिघल जाएंगी। अरे तुझे क्या लगता है बेवकूफ, ये गिफ्ट देखकर वो पिघल जाएगी क्या? तो तू ही बता ऐसा क्या करें कि भाभी का मन पिघल जाए। बता देता, पर आदि भाई के लिए ये पॉसिबल नहीं है ना यार। क्यों बे, क्यों पॉसिबल नहीं है? वो क्या है ना, अपने आदि भाई ऐसा कभी कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं करेंगे? आदि भाई अपनी जान तक दे देंगे उनके लिए। अरे आदि भाई जान तो चुटकी में दे देंगे, पर बाल का दान दे सकते हैं क्या? मतलब भाभी मान जाएगी अगर आप तिरुपति में बाल दान देंगे? दूं क्या, तू रजनी सर का फैन है ना, उनकी फोटो निकाल, फोटो निकाल। ऐसा गेटअप करना होगा, एक नंबर गेटअप है। शिवाजी फिल्म इसी गेटअप की वजह से सुपरहिट थी। तू जानता है इसी वजह से शालिनी ने ये फिल्म पूरे 100 बार देखी थी। तो मतलब तू कहना क्या चाहता है? अगर शालिनी को पटाना है तो आदि भाई को इस गेटअप में आना पड़ेगा। अबे तू चुप कर, रजनी सर ने ये गेटअप फिल्म के लिए लिया हुआ था। अरे रजनी सर अगर फिल्मों के लिए अपना सर मुंडवा सकते हैं तो अपने आदि भाई प्यार के लिए अपना सर क्यों नहीं मुंडवा सकते? रजनी सर तो सुपरस्टार है भाई। हाँ तो अपने आदि भाई उनसे कुछ कम है क्या? अरे लेकिन आदि भाई को तो कुछ बोलने दो ना। अरे भाई बोलेंगे ना, बोलिए ना भाई, आप भी अपना सर मुंडवाएंगे ना?
ये शालिनी को दे दे। नहीं नहीं भाई, आप ही अपने हाथों से दे दो, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। तो दे आदि। आदि भाई, आदि भाई, आदि 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 दास भाई, आदि आदि तेरा आदि। आदि को क्या हो गया? बात तक नहीं की, मुड़कर देखा भी नहीं मुझे। ए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब मन को मुंह बंद रखने का है। क्या बात है? अब जाने दो ना भाई, कुछ खास नहीं है, छोड़ो ना। क्या बात है बताओ ना। अब आप इतना पूछ रहे हैं तो बता दूं, आदि भाई ने आपको शराब देने से साफ मना किया है दास भाई। आदि? उसने कहा कि शराब आपको हजम नहीं होती। शराब पीने के बाद आप जानवर बन जाते हो। आदि, आदि ने ऐसा कहा? एक दिन जब आप बहुत नशे में थे, छोड़ो ना भाई। ये बोलना, नशे में था तब क्या? तब आप उसके माँ के कमरे में घुस गए थे भाई। मैं? हाँ, मैं? आपने उसकी माँ को ऑलमोस्ट पीछे से पकड़ी लिया था भाई। नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं पकड़ा ऐसे। मैं जानता था आपको मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। इनको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो वो बात बताना तो वेस्ट ही होगा ना। यानी कि और भी कुछ बोला क्या? हाँ भाई बोला है। उसने ये भी कहा है कि जब आप पूरे नशे में धुत हो तब आपको शालिनी के कमरे से दूर रखूं, और इसके वो मुझे पैसे भी देगा। मैं भला शालिनी के कमरे में क्यों जाऊंगा? नॉनसेंस। दास भाई, उसके बाप ने आपको पैसों के लिए धिक्कार दिया। बेटे की नजर में आपकी औकात दो पैसे की नहीं है। उस परिवार की खुशी के लिए आपने शादी तक नहीं की, आपने उस परिवार के लिए एक आज्ञाकारी बेटे का फर्ज निभाया, और बदले में उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया भी तो ऐसा। ड्रिंक देना मुझे, ड्रिंक देना मुझे। रहने दो ना भाई, रात की अभी उतरी भी नहीं है आपको, बात आ रही है मुंह से, छोड़िए ना, रहने दो। नहीं नहीं, मैं पीऊंगा, पीऊंगा मैं, मुझे पीना है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा, पागल पागल। लाओ जल्दी, दे दो भाई, मरने की जल्दी है इन्हें। ए, आदि आए तो फोन करने को बोलना। भाई साहब, हमारे घर रजनीकांत आए हैं। रजनीकांत आए? आने दो उसे, कोई प्रॉपर्टी का मैटर होगा। रजनी सर, नमस्ते सर, ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू सर, प्लीज कम, प्लीज कम। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। क्या कर रहे हैं भाई साहब, आपके लिए क्या करूं मैं? अरे ओ निकम्मे, ये क्या हाल बना रखा है? ए आदि। आदि नहीं हूँ मैं, रजनी द बॉस हूँ। मेरा नाम सुनकर कानों को मजा आ रहा है ना? हाँ नहीं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, शादी का समय आ रहा है तो फिर इस समय तुझे गंजा होने की क्या जरूरत थी? कब क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है, इस टकले दिमाग के अंदर ऑलरेडी लोड है। इस पागल को पैदा करने की जगह 100 गधे पाले होते तो अच्छा था। जाने दीजिए भाई साहब, आपको तो पता है इसका स्क्रू ढीला है, कम से कम रजनी की शक्ल देखकर खुश हो रहा है तो होने दीजिए। ठीक है ठीक है, चलो। रात में दास का फोन आया था, उसे पैसे चाहिए। कितने? 50 लाख। यानी वो लड़का सही बोल रहा था? इतना ही नहीं, उसे ये पैसे सिगरेट और पान मसाले के लिए चाहिए। सिगरेट और पान मसाले? हाँ, गुस्से में मैंने फोन ही काट दिया। लेकिन ऐसा क्यों बोला? अब मुझे क्या मालूम उसने क्यों बोला, अब वो बिल्कुल बदल चुका है, हमेशा पैसे की बात करता है। अब पैसा ही सब कुछ थोड़े ना होता है। ए, लाओ ये सूटकेस लो, पता नहीं उसे क्या जरूरत आ गई है, इसमें 2 लाख हैं, उसे ले जाकर दे दो। ठीक है भाई साहब। हाँ। ए, उससे कहना कि ज्यादा पिए मत, और पिए तो फोन ना करे मुझे। ओके। बोल देना उसे। अब ये क्यों यहाँ आया है? अरे अन्ना नमस्कार। ए, दास भाई को बुलाओ। क्या बात है अन्ना?
भाई साहब ने 2 लाख भिजवाए हैं, वही उसे देना है। मुझे तो मैं देता हूँ। मुझे उससे मिलना भी है। वो क्या है ना अन्ना, दास भाई बहुत दुखी हैं, इसलिए कब से अंदर बैठकर पिए जा रहे हैं। ऐसे में आप अंदर जाएंगे तो आपसे झगड़ा करेंगे। मुझे परवाह नहीं है, मैं संभाल लूंगा। इतना बोलने के बाद भी आपको जाना है तो जाओ, वो उस कमरे में बैठे जाओ। ड्राइवर दादा, आप गाड़ी लेकर जाओ, अन्ना बाद में आ जाएंगे, ठीक है ना? दास भाई, ए, दरवाजा क्यों बंद किया? क्यों रे, खुद को डॉन समझता है? अबे सफेद कपड़े पहने हुए गेंडे, खुद को डॉन समझता है तू? अगर तुझे यहाँ कुछ हो गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ए, मैंने कितने मांगे थे और तूने कितने दिया? 50 मांगे थे और तूने सिर्फ 2 लाख दिए। तू क्या मुझे भिखारी समझता है? तेरी तो मैं आज मुझे किसी भी हाल में मेरा हिस्सा चाहिए। अरे नहीं, बड़े भाई ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, दास भाई ने ऐसा इसी स्टाइल में बोलने के लिए कहा था मुझे। गुरु की तरह वो तो बेहोश हो गए भाई। बेहोश कैसे हो गए? खून निकलने तक मारा, अगर मैं नहीं होता ना तो वो भी आज नहीं होते। वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे उनका दिमाग खराब हो गया है, किसी की कोई बात ही नहीं सुनते। आपके नाम की, आपकी इज्जत की, आपके रुतबे की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। मेरा गेटअप कैसा लगा? तेरे गेटअप की तो मैं तेरे जैसा नमूना इतने महान आदमी के घर में आखिर पैदा कैसे हो गया? गेटअप चेंज करने से कोई बड़ा नहीं बनता। अगर सच में बड़ा बनना है तो इनके जैसा बनो। जरा देखो इन्हें, बड़े बड़े हीरो इनके सामने पानी कम जाए हैं। एक लड़की के खातिर अपने बाल मुंडवा लिए, तुझे खानदान का ख्याल नहीं आया? क्यों किया? क्यों किया ऐसा? एक मिनट तू पूछ रहा है क्या? क्या किसने कहा? किसके कहने पर तूने ये सब किया? किसके कहने पर? बोल तू। नहीं तो तुझे इस महान आदमी की मान मर्यादा का ख्याल नहीं आया? तुझे क्या हजाम लगते हैं कि तू अपने प्यार के चक्कर में अपने सिर मुंडवाता फिरता है? मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, चल निकल। बड़े भाई मुझे माफ कर देना कि मैंने आपके सामने आपके आपके बेटे को मार दिया, पर क्या करूं, मैं अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाया भाई। शांत हो जाओ। बुरा तो नहीं लगा भाई? चलो कोई बात नहीं, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मेरा गेटअप कैसा लगा? झकास है, बस तुझे अपने स्टाइल पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। कैसा काम? इस तरह डंग 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 डंग। ऐसे नहीं, डंग 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 डंग, रिदम में डंग 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 डंग। अच्छा है ना, मैं प्रैक्टिस करूंगा। करते रहो, सीख जाओगे। यो बड़े भाई, बड़े भाई आपके बेटे को देखने के बाद मुझे चिंता होने लगी है भाई, और उस तरफ जिसे आपने जान से ज्यादा प्यार किया ऐसे दास भाई आपको धोखा दे रहे हैं, मुझे तो और चिंता हो रही है भाई। तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात कर लूंगा। ठीक है भाई, मैं उनको कहूंगा आपको फोन करें। नहीं, उसके साथ मैं अब फोन पर नहीं बल्कि आमने सामने बैठ कर बात करूंगा। आपको डाउट है ना? आप डाउट क्लियर करो भाई, यही वक्त है फेस टू फेस बैठने का और सारे के सारे डाउट क्लियर करने का। सही है भाई, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। अब मैं चलता हूं भाई। सुनो दास भैया को गुरु भाई के यहाँ होने की बात, उनकी पिटाई की बात, उनके पैसे की बात, किसी भी बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए ना? हाँ भाई, लेकिन उन्हें मालूम पड़ गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो उसे मार देगा। मालूम नहीं पड़ना चाहिए। वो तो बिल्कुल उसको छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। चल चल चल। भाई, अरे भाई ये क्या हो गया? मतलब आपने हमारी सारी बातें सुन ली भाई? हाँ सब सुन लिया। ये बता, गुरु यहाँ आया था क्या? हाँ आया था भाई। किस लिए? वो बड़े भाई ने आपको मारने के लिए भेजा था। मुझे मारने के लिए? बकवास कर रहा है। अरे आपकी कसम खाकर कहता हूँ, गुरु को 2 लाख की सुपारी मिली है आपको मारने के लिए। कसम खा के कह रहा है मुझे मारेगा, कुछ भी बोल। क्या भाई, आपको यकीन नहीं हो रहा है?
तो आप खुद ही जाकर अंदर देख लीजिए ना। यानी कि गुरु यहीं पर है? हाँ, मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है। अभी देखता हूँ उसे। हाँ चलिए भाई, मैं दिखाता हूँ, चलिए। दास भाई, मेरा निशाना चूक गया। देखना भाई इसने क्या कहा, निशाना चूक गया। भाई फिर ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे मारने की सुपारी दी तूने, भाई 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 इसकी बात तो पूरी होने दीजिए, फिर मारना। माफ कर दो भाई, भाई भाई साहब ने 2 लाख दिए। 2 लाख भाई? आपको मारने के लिए 2 लाख की सुपारी दी गई थी। नहीं दादा, तू भाई को मारने की सुपारी लेगा? सुपारी आपने देखा ना भाई, मारने की सुपारी दी। चुप रहने से कुछ भी नहीं होगा, आज ही फैसला करना पड़ेगा। आज ही फैसला होगा। फोन लगा तो किसे लगा रहा है? बड़े भाई को, और किसको? कट क्यों किया? अपन पैसे क्यों बर्बाद करें? मिस कॉल किया है, अब वो फोन करेंगे। क्या हुआ, तू मुझे मिस कॉल क्यों कर रहा है? फोन पर बात क्यों नहीं करता है? वो अभी भी जिंदा है, लो बात करो इनसे। भाई क्या रे, मुझे मारने की सुपारी दी तूने? क्यों रे, तू इतना बड़ा हो गया है, इज्जत क्या होती है ये भी भूल गया? अच्छा, गुरु के साथ क्या किया? अभी तो वो बेहोश है, पर जल्दी उसे मार दूंगा। दास तुम्हें हो क्या गया है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या हो गया? मुझे तुमसे बात करनी है, घर पर आ जाओ। मैं तेरे घर पर नहीं आऊंगा, मैं कल तुझे पुराने टीले पर मिलूंगा, तुम है तो आ जाना वहां पर। भाई कल आप अकेले मत जाइएगा। मैं अकेला नहीं हूँ, उस गैंग में 50% से ज्यादा मेरे वफादार हैं। अगर कल मुझे कुछ भी हुआ तो वो मेरी मदद करेंगे। अरे भाई अपना ख्याल रखना। अरे आनंद, दोनों की बात हो गई तो उसे सब पता चल जाएगा। वो तो तब होगा ना जब मैं होने दूंगा। डन 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 डन। रुको, मुझे चेक करता है। ए, क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जाओ, कहाँ जा रहे हो? जाओ, तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। ए, क्या रे, मेरी तलाशी लेगा? मेरी तलाशी? भरोसा नहीं हुआ तो अपने बाप की भी तलाशी लूंगा। जान गया मैं तुझे, मैं तुझे 2 दिन में समझ गया हूँ, समझा? है, मैंने भी सब कुछ समझ लिया, मुझसे पैसे की बात की? करूंगा, तेरी जितनी भी कमाई है ना, 50% मेरी है। मुंह बंद कर अपना, तुमने अभी तक मेरा असली तेवर नहीं देखा है। मैं कुछ बोल नहीं रहा तो मेरे सर पर चढ़ोगे? चिल्ला कर मैं भी बात कर सकता हूँ, अगर मैं तेरे साथ नहीं होता तो तू जेल में सड़कर किसी कीड़े की तरह मर गया होता। छोटे, तू अपनी औकात से ज्यादा बात कर रहा है। मैं नहीं, तू और तेरा बेटा अपने औकात भूल गए हैं। क्या रे, मैं कब तेरी बीवी के कमरे में घुसा? तू मेरी बीवी की बात क्यों कर रहा है? सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दे, बता मैं कब तेरी बीवी के कमरे में घुसा था? मैं क्यों वहाँ पर जाऊँ? तू अगर अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी और बेटे का नाम लेगा तो मैं हमेशा के लिए तेरा मुंह बंद कर दूंगा, समझ ले। मेरा मुंह बंद करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, समझा? पैदा नहीं हुआ, 50 साल पहले पैदा हो चुका है और वो मैं हूँ। आज मैं तुझे खाक में मिला कर ही जाऊंगा, देखते है कौन किसे खाक में मिलाता है। अगर तेरे में दम है ना तो गोली चला।
सबको बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अरेस्ट करो। अगर वो तुम्हारे ऊपर अटैक करते हैं तो गोली चलाने में हिचकिचाना मत। यस सर। इतने सालों में सब कुछ पता होने के बाद भी हम उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उनके पीछे पावरफुल पॉलिटिकल बैकिंग थी, लेकिन अब इन लोगों ने खुल्लम खुल्ला गैंगवार शुरू कर दी है। अगर गोली चला भी दोगे तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। यू आर राइट सर। ऑपरेशन शुरू करो, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से तुम पर है। थैंक यू सर। हेलो गजेंद्र भाई, आपको अरेस्ट करने पुलिस आ रही है और इस बार बेल मिलना भी नामुमकिन होगा। आपको कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। पुलिस पीछे से भागो, पीछे से भागो। हाँ हाँ यहाँ से भागो। Come on, go and search. ओह नो, हमारे आने से पहले भाग गया। ऑफिसर्स प्रॉपर्टी को सील कर दो। ऐसे कितने लोगों को कैद कर रखा है? मुझे तो मेरे डैड यहाँ लेके आए, पर इस औरत को यहाँ कौन लाया? मेरा बाप। हाँ? वो औरत कोई और नहीं, मेरी माँ है। वो पिछले 14 सालों से किसी और के पापों की सजा भुगत रही है और इसकी वजह मेरा बाप है। सलाम भाई। नमस्ते भाई। भाई सलाम। ये क्या सर, 10 रुपए? तू खड़ा क्यों है? हफ्ता कहाँ है? चल हफ्ता है। खाली कर अपना। क्या बोनी नहीं हुई? नहीं नहीं हुई। पिछली बार भी नहीं दिया था। नमस्ते भाई। इधर आ। ये लीजिए। क्या है? पानी पूरी है। पानी से नहाऊं क्या? चल। ये लो भाई। ये उम्र में भी अंगूठी पहनता है? नहीं भाई। हैं? चल। ये तेरे किसी काम की नहीं। चल। ए, यहाँ पर आ रहे। नमस्ते भाई। कहाँ है? कल ही तो दिए थे भाई। कल खाना नहीं खाया था क्या? चल अब तो दे। देता हूँ। देता हूँ। हाँ कल फिर से आऊँगा। साथ में। ओ बाजू अली। कहाँ पर है तेरा पति? चल जल्दी बुला उसको। मुझे पता नहीं वो कहाँ। पता नहीं पति का है? एक काम कर, भाजी बेच और ये मंगलसूत्र तेरा काम करे। मेरा मंगलसूत्र मत लो। पति नहीं तो कोई फायदा का नहीं। मेरे पति की निशानी है। कीड़े पड़े ऐसे भाई में। नमस्ते भाई। हाय सलाम। कैसे हो? ए बढ़िया। चल पैसा दे। कल से कुछ भी बिक्री नहीं हुई है, कल पैसे दे दूंगी। कोई बात नहीं। ओ हो, ये चूड़ी अच्छी है। नहीं दिखाओ। नहीं दिखाओ ना। अरे छोड़ो 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 मेरा हाथ। नहीं निकाल देता हूँ। भगवान। हफ्ता नहीं तो ये चल जाएगा। अरे जालिम को कोई रोकता क्यों नहीं है? देखते कितना जमा हुआ। सिंधी लोग 10-20 रुपए देते हैं, जब एक दो के हाथ पैर तोड़ता ना तब जाके 100-500 की नोट ढीली करते हैं। पसंद आई है तो पहन ले। पहन लेना। ये चूड़ियां तो पूरी तरह खून में भीगी हुई हैं। धो के साफ हो जाएंगी। ये तो धुल जाएंगी पर आपके पाप नहीं धुलेंगे। मैंने तो तुझे कब का मार दिया होता, लेकिन तेरे जैसी नौकरानी कहीं नहीं मिलेगी ना, इसलिए तू अब तक जिंदा है। माँ। ए,
एक बुढ़िया का खून देखकर तुझे आज कितना दुख हुआ ना? अब तेरा खून देखकर तेरे बेटे को कितना दुख होगा? आप बहुत ही खुशकिस्मत है कि अभी तक जिंदा है। अच्छा? मुझे कौन मारेगा? कौन मारेगा? कौन है वो? ए, किसकी हिम्मत जो मुझे मारेगा? आपके बॉस, आपके लोग, आपके अपने, आपकी आंखों के सामने मार दिए गए। जो भी ऐसी गुंडागर्दी की जिंदगी जिएगा उसका हश्र यही होगा। उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर होगी। ऐसे लोग कुत्ते की मौत मरा करते हैं। अपनी जबान को लगाम दे। मेरी बातें बहुत बुरी लग रही है ना तुम्हें? लेकिन जिस तरह का काम तुम कर रहे हो उसका नतीजा तुम भुगतोगे, देख लेना तुम। और तू इस घर में जिंदगी भर सड़ती रहेगी। और एक दिन मेरी माँ की बात सच निकली, मेरे पिता की मौत हो गई। उन्हीं के चेलों ने उन्हें बीच रास्ते मार डाला, चाकू से उनको काट कर मारा गया और उनकी अर्थी उठाने भी कोई आगे नहीं आया। वो एक लावारिस लाश की तरह पड़े रहे, किसी ने उन्हें कंधा नहीं दिया। मुझे मालूम था उस दिन पंडित पानी पूरी खाएगा? ये ले, देखा, ये ले और भी खा। ये ले कमीने। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। काश हो तेरा मेरे तेरे खानदान का। इस समाज ने मेरी माँ का बहिष्कार किया। मुझे बड़ा करने के लिए मेरी माँ ने बहुत सारी तकलीफें उठाई। दूसरों के घर में उसने काम किया, बर्तन मांझे, लोगों की गालियां खाई। हर कोई उसे गुंडे की बीवी के नाम से जानता था। मेरी मां ने बहुत कुछ सहा है, मैं उनका इकलौता सहारा हूं। मैं अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और फिर एक दिन मेरी मां ने मुझसे कुछ मांगा। मैं गुंडे की बीवी नहीं कहलाना चाहती, बल्कि मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की मां कहलाकर मरना चाहूंगी। मेरी ये इच्छा पूरी करोगे ना? वादा करो मुझसे। एक गुंडे की बीवी बनकर मैं आज तक सजा भुगत रही हूं। जब तक मैं तुम्हें पुलिस ऑफिसर की वर्दी में नहीं देखूंगी, तब तक मैं अपना चेहरा इस दुनिया को नहीं दिखाऊंगी। तब तक मैं खुद को इस कमरे में कैद रखूंगी। मैंने अपनी मां के सपने को अपना सपना बना लिया और एक पुलिस ऑफिसर बनने की तैयारी में लग गया। मेरा बाप एक गुंडा था और इसलिए मुझे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझा और इसलिए मेरी जिंदगी में अन्याय के खिलाफ लड़ने में हमेशा मदद की। जैसा तुम्हारे पापा कहते हैं मैं हमेशा वैसा ही करता हूं। लेकिन जब भी मैं अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था तो तुमने मुझे गुंडा समझ लिया। बिना सच्चाई जाने तुमने मुझे गुंडा समझा। असल में मैं कोई गुंडा नहीं हूं, क्योंकि सच हमेशा वो नहीं होता जो हम आंखों से देखते हैं। सॉरी। उस दिन जब तुम्हारे पापा तुम्हें यहां छोड़ने आए तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि तुम्हें यहां लाने के पीछे सिर्फ दो वजह हैं।
एक तो तुम्हारी सुरक्षा और इस शहर को उन गुंडों के आतंक से बचाना। इसीलिए तुम्हारे पापा और मैंने मिलकर बहुत ही अच्छा गेम प्लान बनाया है। अगर वो सफल हो गया तो आइंदा ऐसे गुंडे तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। तुम खुशी खुशी अपने घर जाना और अपनी पसंद के लड़के से शादी करना। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ है या कभी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मैं आज तुमसे दिल से माफी चाहता हूं। मैडम, आनंद ने आपको सब कुछ सच सच बताया, लेकिन एक बात है जो आप नहीं जानती। वो अपना आनंद है ना, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता है। आप हमेशा उसे गुंडा समझती रही और वो हमेशा आपसे प्यार करता रहा। उसे हमेशा लगता था कि वो आपके लायक नहीं, इसलिए उसने अपने दिल की बात नहीं बताई। वो चाहता है कि आप एक अच्छे लड़के से शादी कर लें, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उससे अच्छा लड़का आपके लिए और कोई नहीं है। आज आप यहाँ सेफ भी हैं तो सिर्फ आनंद की वजह से। आप भले ही उससे प्यार ना करती हो, लेकिन कम से कम उससे नफरत तो मत कीजिए ना। एक बार दिल से सोच के देखिए। I'm proud of you, my boy. तुमने कर दिखाया और कल से ही हमारा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हो। Yes, sir. ये लो, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। Thank you, sir. Good luck. जिस ऑफिसर ने तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट किया था उसी ऑफिसर ने तुम्हें सपोर्ट किया और तुम्हें ये जॉब दिलवाई। बगैर वर्दी के भी तुमने जो डिपार्टमेंट की मदद की है उतना तो वर्दी पहन के भी लोग नहीं करते। तुम्हें हाईएस्ट पोस्ट पे प्रमोट करना गलत नहीं होगा। मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए सर, मेरे लिए सीनियर इंस्पेक्टर की पोस्ट भी बहुत है सर। जब मेरी मां मुझे खाकी वर्दी में देखेगी ना तो वो बहुत खुश होगी सर, बहुत खुश होगी। आज उनका सपना पूरा हुआ। तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसके बावजूद तुम क्या अपने प्रमोशन के बारे में जानना नहीं चाहोगे? मेरे दामाद की पोस्ट। मैं सब कुछ जान चुका हूं, तुम्हारे जैसा दामाद मुझे कहां मिलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। भाई, आपकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। इतने दिन से आप एक ही कपड़े में हैं और तो और चड्डी भी एक ही पहनी हुई है आपने। हाँ भाई, पहले देखिए ना आप क्या थे, अब क्या बन गए हैं। पहले आप डॉन थे, अब भीगी बिल्ली बन गए। इन सब का कारण वो दास है। हमारे सारे राज पुलिस को बताकर उसने हमें कमजोर कर दिया। उसे मारे बिना तो मैं चैन से सोऊंगा नहीं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। गुरु, इतने दिन तू कहाँ था?
क्या बताऊं भाई साहब? सर, ये हमारा विटनेस बनने के लिए तैयार है। जरा सुनो। यस सर। अंदर जाकर एक कॉफी का ऑर्डर तो दो। जी। मैं अंदर कॉफी पीने जा रहा हूं, तुम मौका देख के भाग जाओ। दास भाई की कोई गलती नहीं है भाई साहब, ये सारा प्लान आनंद का था। उसने दास भाई को आपसे अलग करके हमारे साथ चाल चली है। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। बर्बाद कर दिया उसने हमें। 30 सालों में जो मैंने अपना साम्राज्य खड़ा किया था, 3 दिनों में उसने उस साम्राज्य को खत्म करके रख दिया। अब तो मुझे जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप और दास भाई एक हो जाओ। तुझे पता है अभी वो कहाँ है? भाई साहब अपना मोबाइल दीजिए। दास भाई, गुरु बोल रहा हूँ। ए, मुझे कोई बात नहीं करनी, फोन रख चल। भाई बात तो सुनो। भाई भाई साहब ने 2 लाख दिए। 2 लाख? आपको मारने के लिए 2 लाख की सुपारी दी गई है भाई साहब। अच्छा भाई, ये सब उस आनंद का किया है। आप दोनों को अलग कर दिया उसने, हम सबको बर्बाद कर दिया। दास भाई, अगर उसे ठिकाने लगा दे तो साम्राज्य फिर से खड़ा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक होना होगा, आप पुराने ठिकाने पे आ जाओ प्लीज भाई। प्लीज। ठीक है, आता हूं मैं। थैंक्स भाई। भाई साहब, भाई साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती हम दोनों से हुई, अब तुम आ गए हो, यही काफी है। हम अपना साम्राज्य दोबारा खड़ा करेंगे। उस लड़के ने हमें बेवकूफ बनाया, मैं उसके दिमाग को चला के खत्म कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैंने सब कुछ अपने प्यार के लिए किया, पिता होने के बावजूद मैंने अपना सर मुंडवाया। अब जब तक मैं उसे जान से मार नहीं देता, शांत नहीं बैठूंगा। ये खेल शुरू उसने किया था, लेकिन खत्म हम करेंगे। अब हम ऐसी प्लानिंग करेंगे कि उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे।
छोटे से मुन्ने, अब हम फिर से एक हो गए हैं। चल बाहर आ जा। अब होगा इन सब का दी एंड। भाई साहब, सेम टू सेम पहले जैसा स्लो मोशन में आ रहा है। ये भी सेम टू सेम है। मुझे पता है आगे भी सेम टू सेम होगा। बॉटल का ढक्कन अपने दांत से खोलेगा। भाई साहब, अब वो आपको बॉटल देगा, लेकिन आप बिल्कुल मत लेना। ये तो सेम टू सेम नहीं हुआ। बच्चा है बोल के मुझे पिलाई, उसके बाद में मेरे बड़े भाई साहब से मुझको अलग किया, झगड़ा करवाया। कमाल है तेरी। ए, हम दोनों भाइयों में झगड़ा लगाकर हमारे संबंध को खत्म करने चला था तू? तू जिंदा नहीं बचेगा। तूने मेरा सर मुंडवाया और अब उस लड़की से शादी करेगा? खुद को बड़ा हीरो समझता है? हमारे साम्राज्य पर नजर डालने वाले को हम सीधा स्वर्ग का रास्ता दिखा देते हैं, और तूने तो अपनी मौत खुद बुलाई है। अब तेरी कब्र पे अपना साम्राज्य फिर खड़ा करेंगे। अरे कब से डायलॉग पे डायलॉग पे डायलॉग चल रहे हैं, अब एक्शन का टाइम आ गया है। और वैसे भी क्लाइमेक्स में एक्शन तो बनता है। एक एक करके आओगे या फिर झुंड में आओगे, आज तुम सबका खात्मा होगा और ये शहर धूमधाम से जश्न मनाएगा। Ha ha!
Get your...